Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sushant Singh. So in this particular video, we will get to know that how to check solution of linear equation. It means that the unique solution, infinite solution and no solution. कैसे उसको identify किया जाए उस चीज को हम देखेंगे और this is a very important concept. बिकॉज इस कॉन्सेप्ट पे कैट पे आई थिंक 1 or 2 times क्वेश्चन आ चुके हैं और ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इंटरव्यू में भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन आस्क द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन. दिस ईयर ऑल्सो वन ऑफ माई कलीग आई थिंक फॉर ए और बी इंटरव्यू इंटरव्यूअर आस्क द कंडीशन फॉर unique solution, infinite solution and no solution. So for that, this is the very important things you should know. So let's start the discussion like how to identify or how identify the unique solution, no solution or infinite solution. So linear equation ka jo solution hota hai wo teen hote hain. First is unique solution. यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. थर्ड इज no solution. मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब लिनियर इक्वेशन का ओनली वन सॉल्यूशन है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट से समझ में आ जा रहा है. नो सॉल्यूशन मतलब नो से समझ में आ जा रहा है कि कितना सॉल्यूशन होगा क्या नहीं होगा. अभी स्टार्ट करते हैं किसका कंडीशन क्या होता है. सो लेट्स अज्यूम नॉट अज्यूम स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है. लिनियर इक्वेशन हम लोगों को पता है. सो a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0, a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0. सो अब यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है वो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. अगर ये दोनों इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए मींस दैट इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन. द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन इज a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. सो ये हो गया कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन. a1 मतलब ये a1 हो गया, b1 ये हो गया, a2 ये हो गया कोफिशियंट ऑफ x, b2 हो गया कोफिशियंट ऑफ y, सेम इसमें और इसमें भी. सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी. बस अब कंडीशन याद रखना है इसका. वैसे ग्राफ वगैरह पे ड्रॉ करके बहुत अच्छे से चीजें होती है लेकिन ग्राफ हमको समझने की जरूरत नहीं है एज फार एज दैट कंसर्न. सो इस बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सिमिलर फ्रेमवर्क में है जो कैट में आया था. तो दिस इज द क्वेश्चन. सो रीड द क्वेश्चन लाइक लेट के बी अ कॉन्स्टेंट. ओके द इक्वेशन के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस वाई इक्वल टू 4 है यूनिक सॉल्यूशन. अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है यूनिक सॉल्यूशन है. इफ एंड ओनली इफ कब यूनिक सॉल्यूशन होगा कब. सो हमको के का वैल्यू सिंपल सा फाइंड आउट करना है.
सब यूनिक सॉल्यूशन है, इट मींस ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। अब हम ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन मेरा इलिमिनेट हो गया क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, ये ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया, बचा दो ऑप्शन। सो अब देखो ए वन है, इट मीन्स दैट इक्वेशन वन का कोफिशियंट ऑफ एक्स सो के डिवाइडेड बाई ए टू, सेकेंड इक्वेशन का कोफिशियंट ऑफ एक्स फोर फोर नॉट इक्वल टू बी वन, वाई का कोफिशियंट वन बी टू, सेकेंड इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट के के क्रॉस मल्टीप्लाई के ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू फोर, के स्क्वायर नॉट इक्वल टू फोर, इट मीन्स डैट के नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं मॉड के नॉट इक्वल टू टू, क्योंकि मॉड है इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये प्लस माइनस टू में ही आएगा। मॉड का होता है ये, जैसे मॉड एक्स होगा सो ये एक्स होगा पॉजिटिव में जब एक्स ग्रेटर देन जीरो और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो, सो ये मॉड का रूल है। सो मॉड के नॉट इक्वल टू टू विच इज द आंसर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मॉड के नॉट इक्वल टू टू। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेम फ्रेम पे कैट में भी क्वेश्चन आए थे, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के कॉन्सेप्ट के साथ, एंड इफ यू लाइक दिस थिंग्स देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।